सो गाइस आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं पोको के X6 डिवाइस के अंदर अपने फोन के अंदर एप्लीकेशंस को हाइड कैसे करेंगे। गाइस अगर आपको भी अपने जो होम स्क्रीन के एप्लीकेशंस होते हैं उनको हाइड करना है तो नो डाउट आप इजीली कर सकते हैं। वेल गाइस फोन के अंदर एप्लीकेशंस को हाइड करने के लिए आपने सेटिंग्स वगैरह को नहीं ओपन करना है। आपके फोन के अंदर एक एज अ बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन रन कर रहा होगा जो है सिक्योरिटी करके, यहाँ पर आप सर्च कर लेना सिक्योरिटी करके। ये एप्लीकेशन है, ये कुछ बैटरी आइकन के बूस्टिंग की तरह बना हुआ है, इसको आप प्रेस कर लेना एंड आप आ जाएंगे इस वाले इंटरफेस में। ये है इस ऐप का होम इंटरफेस बोर्ड जहां पर ऑप्टिमाइज कर सकते हो, सिक्योरिटी स्कैन कर सकते हो, क्लीनर यूज कर सकते हो, बैटरी है और स्पीड वगैरह बूस्ट कर सकते हो। लेकिन हमें एप्स को हाइड करना है तो जस्ट स्वाइप अप कर देना इस तरीके से ऊपर। इसमें प्राइवेसी प्रोटेक्शन का एक ऑप्शन होगा जिसमें हाइड एप्स भी मिलता है, इसको आपको प्रेस करना है। और मैंने करंट टाइम पे एक एप्लीकेशन यहाँ पर हाइड करा हुआ है, तो आप देखो यहाँ पर आएंगे तो आपको जो हाइड करना कर सकते हो, बट उससे पहले पासवर्ड बनाना पड़ेगा। सेटिंग्स पे आप चले जाना, यहाँ पर आप देखेंगे जेस्चर का ऑप्शन है। एक्चुअली क्या कि गाइस ये जो आप देख रहे हैं ये हाइपर ओएस के अंदर हम एक्सेस कर रहे हैं और आपके भी फोन में हाइपर ओएस रन कर रहा होगा डेफिनेटली। जिन लोगों के फोन में हाइपर ओएस नहीं है उनमें जो है पहले सिक्योरिटी थी, एक सिक्योरिटी दैट मीन्स कि हम इन एप्लीकेशन को जब हाइड करते हैं तो वहां पर एक प्रोटेक्शन होती है पासवर्ड की। अभी हम इसको ओपन कर रहे हैं इस बारे में, आई थिंक मैंने पहली बार इसमें देखा कि ऐसा भी कुछ है हाइपर ओएस के बाद। तो ये नॉर्मली अगर हम बात करें तो हाइड करना इस तरीके से आप प्रेस कर देंगे तो ये हाइड हो जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसका फीचर कि जिनको हमने हाइड कर दिया हमें पता है, जो लोग हाइड करते हैं उनको पता होता है, बट जिनको नहीं पता कि हिडन एप्लीकेशन जाती कहाँ है और चेकआउट कैसे करेंगे उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। देखो गाइस इसके लिए करना क्या, आप ऐसे अपने रेंडमली अपने फोन पे आ जाइएगा और यहाँ पर आपको स्पिंच करना कुछ इस टाइप से, देख सकते हो जैसे मैंने स्पिंच करा, अब यहाँ पर ये डैशबोर्ड आ चुका है जहां मैंने एप्लीकेशन को हाइड करा हुआ है। तो अब यहाँ पर अगर मैं लाइक इसको अनहाइड भी कर रहा हूँ तो लॉन्ग प्रेस करिए ऐसे, या फिर आप यहाँ पर डायरेक्टली इसको एग्जिट कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक बटन है, इसको बैक कर लेते हैं, वापस चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक ये भी है, एग्जिट करेंगे तो एग्जिट हो जाएगा। अब इसको वापस स्वाइप अप करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से सबको अनचेक कर देंगे, ये जो है अनहाइड हो जाएगा। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है, बट ये थोड़ा सा सिक्योरिटी में हमें प्रॉब्लम्स लग रही है क्योंकि इसके अंदर पासवर्ड ऐड करने का ऑप्शन आई थिंक फीचर हट चुका है। तो अगर कुछ भी ऐड कर रहे हैं एप्लीकेशन वगैरह, अगर जिनको पता है कि स्पिंच करके हम देख सकते हैं तो रैंडमली देख सकते हैं। तो आई होप कि आप समझे होंगे एप्लीकेशन को हाइड कैसे करना था पोको के X6 डिवाइस के अंदर।